अश्लील फिल्में बनवाने के आरोप में गिरफ्तार हुए इस कोऑर्डिनेटर ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन्होंने इस बात को मान लिया है कि हाँ, नई मॉडल्स को लाना मेरा ही काम था, उन्हें कन्विंस करना भी मेरा ही काम था, यहाँ तक कि जो मॉडल जितने ज़्यादा बोल्ड पोज देगी उसको उस हिसाब से पेमेंट भी की जाती थी। आप सभी जानते ही हैं कि कोलकाता में भी नंदिता दत्ता को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ साथ चार और लोगों की गिरफ्तारी हुई, यानी कि कुल पांच लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें दो फोटोग्राफर, एक नैन्सी भाभी यानी कि नंदिता दत्ता का हीरो और एक कोऑर्डिनेटर, जिसको बुधवार को बेलिया घाट से गिरफ्तार किया गया है। अब इस कोऑर्डिनेटर ने इस बात को कबूल कर लिया है कि हाँ, कोऑर्डिनेशन का काम उसका ही था। तो न्यूटाउन पुलिस ने बुधवार को नंदिता दत्ता के लिए कोऑर्डिनेटर का काम करने वाले शौभिक मुखर्जी को गिरफ्तार किया। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसे नंदिता दत्ता ने बोल्ड मॉडल्स की तलाश करने का जिम्मा दिया हुआ था और उसी के अनुसार उसे सैलरी यानी कि पारिश्रमिक भी मिलता था। जो मॉडल्स जितना अधिक बोल्ड पोज देती थी उसे उतना अधिक पैसा मिलता था। शौभिक के अलावा फोटोग्राफर मैना घोष, फोटोग्राफर शुभंकर डे और अभिनेता स्नेहा शीश बल को भी गिरफ्तार किया गया है। तो अब जो है ये बात सामने आ रही है, तो पुलिस सोर्सेस के मुताबिक जो है शौभिक ने पुलिस को बताया कि मॉडल कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं काम करता था, लेकिन मॉडलों से मैं संपर्क करता था, मेरा जिम्मा नई मॉडल्स का जुगाड़ करना था और ऐसे बोल्ड मॉडल की खोजने के लिए मुझे कहा गया था जो कैमरे के सामने बोल्ड पोज दे सके। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिन मॉडलों को अश्लील फिल्मों में शूट के लिए चुना गया था उनको सबसे पहले साड़ी पहनाकर जो है उनका शूट किया जाता था और उसके बाद उन्हें कहा जाता था कि अगर आप बोल्ड शॉट्स दोगे तो आप जितने बोल्ड शॉट्स दोगे उसके हिसाब से आपको हम पैसे भी देंगे। पुलिस सूत्रों ने आगे बताया कि इस रैकेट में कई महिलाएं और मॉडल्स शामिल थी, उनकी जानकारी हासिल की जा रही है। फोटोग्राफर मैना को दमदम से गिरफ्तार किया गया था, फोटोग्राफर शुभंकर डे को चुचुड़ा से और स्नेहाशीष बल को परसों दमदम से गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन नंदिता दत्त के लिए काम करने वाला ये जो कोऑर्डिनेटर है उसने इस बात को कबूल लिया है कि हाँ, उसके पास ये पूरा जिम्मा था मॉडल्स को तलाशने का, बोल्ड पोज करवाने का। तो लगातार जो है इस पूरे केस में भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और फिलहाल चार लोग इसमें से पुलिस हिरासत में भेज दिए गए हैं।